आपके जहन में कभी ये सवाल आता है कि क्या अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं? मेरे जहन में ये सवाल बार बार आता है और समझे कि मेरे जहन में अक्सर एक गर्दिश करता रहता है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। फिर एक दिन मुझे ख़्याल आया कि अल्लाह जिन लोगों से मोहब्बत करता है, जिनको मेरा रब चाहता है, उनका ज़िक्र वो अपनी आयतों में करता है, उनके लिए आयतें उतारी हैं। तो मैं कुरान पाक खोल के बैठ गई ये देखने के लिए कि मेरे मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं। मैंने पहली आयत ढूंढी तो वो सब्र के बारे में थी कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मुझे बड़ा मलाल हुआ कि मुझ में तो सब्र नाम का नहीं है, मुझ में तो तकवा भी नहीं है और वो साबरीन को महबूब रखता है। मुझे अपने बेसब्रे होने पर बेहद अफसोस हुआ। मज़ीद आगे बढ़े तो जाना कि अल्लाह उसको करता है जो मुजाहिदीन होते हैं, जो कोशिश करते हैं। फिर मैंने जाना कि मैं बहुत कम हिम्मत और हौसले वाली हूँ, मेरा इसमें भी शुमार नहीं। फिर आगे बढ़ी तो देखा कि वो एहसान और नेक अमाल करने वालों को पसंद फरमाता है। फिर मैंने अपनी तलाश तक कर दी कि सारी चीज़ें मुझ में कहाँ, इस डर से कि अब शायद मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे। मैं बड़ी अजीब कश्मकश में थी कि मैंने अपने अमालों को खंगाला लेकिन सब फतूर और गुनाहों से भरे हुए सब आलूदा थे। फिर अचानक ही मेरी नज़र अल्लाह के एक पैगाम पे पड़ी और मेरे दिल को सुकून आ गया, जिसमें मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है।